हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एम डी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एम डी यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से दोस्तों एक नई अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, कल एम डी की तरफ से 3 नए रिजल्ट जारी किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए 3 कौन से नए रिजल्ट जारी किए यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप देख सकते हैं। तो पहला रिजल्ट है दोस्तों एम टेक सी बी सी एस एंड नॉन सी बी सी एस स्पेशल साइंस सेमेस्टर या ई एम, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है दोस्तों, उसका रिजल्ट जारी कर दिया है एम टेक वाले बच्चों का, सी बी एस एंड नॉन सी बी सी एस वाले बच्चों का स्पेशल साइंस का। ठीक है दोस्तों, 30 मार्च का रिजल्ट आया, कल ये रिजल्ट आया है रात को। ठीक है दोस्तों, दूसरा कौन सा रिजल्ट आया है, बी टेक सी बी सी एस स्पेशल साइंस सेमेस्टर या ईयर, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है स्पेशल साइंस वाले बच्चों का, बी टेक का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बी टेक कौन सा रिजल्ट आया है, बी टेक नॉन सी बी सी एस स्पेशल साइंस सेमेस्टर या ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेम फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर। ठीक है दोस्तों, कल ये रिजल्ट आया, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, कौन से दो कोर्स का रिजल्ट आया दोस्तों, एम टेक और बी टेक के जो स्पेशल साइंस के जो बच्चे थे उनका रिजल्ट आया। ठीक है दोस्तों, कल ये रिजल्ट आया है, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ये एम डी की ऑफिशियल वेबसाइट है रिजल्ट की। देखिए दोस्तों, result.mduRTK.in। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ जाके भी अपना रिजल्ट सीधे चेक कर सकते हैं, कैसे आपको अपना रिजल्ट देखना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के दोस्तों आपको अपना रोल नंबर डालना है। ठीक है दोस्तों, रोल नंबर डाल के आपको प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है, आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल ये रिजल्ट जारी किया यूनिवर्सिटी ने, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एम डी हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।